अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद वकास मेरा नाम, ताल्लुक मेरा प्रॉपर्टी नामा से है। मौजूद हूँ हेड ऑफिस इस्लामाबाद प्रॉपर्टी नामा में। अर्ज़ खिदमत है ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के अंदर, अगर प्लॉट मिला तो क्या होगा, अगर प्लॉट ना मिला तो क्या होगा। वीडियो मुकम्मल देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अच्छी और मुनफरिद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके, क्योंकि इस चैनल को लाइक करने से फ़ायदा मुकम्मल आपका है। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी आपको फ्री में मिलेगी, आप बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं, आपको नॉलेज आएगा प्रॉपर्टी के बारे में। आपने इसके अलावा काफ़ी चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये चैनल आपके लिए ज़रूरी है, ये आपकी लाइफ में इस चैनल का होना ज़रूरी है। लिहाजा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली बैलेटिंग कर चुका है जनरल ब्लॉक की। बेहतरीन कामयाबी की तरफ कामजन प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी, जिसके बारे में काफ़ी लोग शक करते हैं, काफ़ी लोग सवाल करते हैं, काफ़ी लोगों ने सवाल ये भी किया कि अगर हमें प्लॉट ना मिला तो क्या होगा। चाहा कि आपको इस चीज़ का जवाब दे दूँ तफसील के साथ। वीडियो मुकम्मल आखिर तक देखनी ज़रूरी है ताकि आपको कल को ये सवाल दोबारा ना करना पड़े। आप दोबारा भी सवाल करेंगे हम हाजिर हैं, लेकिन जनरल वीडियो मुकम्मल देखें। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के अंदर आप बुकिंग करते हैं, एक क्राइटेरिया है कि 10% के ऊपर आपकी बुकिंग होती है, उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होती है, 50% पेमेंट मुकम्मल होने के बाद बैलेटिंग होती है, उस बैलेटिंग के अंदर आपको प्लॉट नंबर मिलता है, 70% पेमेंट मुकम्मल होने के बाद आपको पोजेशन अनाउंस की जाती है, पोजेशन के बाद आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जनरल ब्लॉक की फर्स्ट बैलेटिंग 2020 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। जिन खुश नसीबों को प्लॉट मिला बहुत जल्द उनको पोजेशन देने जा रहे हैं, जिनको नहीं मिला उनको अपकमिंग बैलेटिंग में दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि ओवरसीज सेक्टर में कितने प्लॉट्स की बैलेटिंग होने जा रही है और कितने प्लॉट्स को प्लॉट नंबर अलाट होंगे, और अगर नंबर अलाट ना हुए आया इसका कोई नुकसान है कि नहीं। मैं बताता हूँ कि जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके, प्रॉपर्टी नामा पे ट्रस्ट करके, हमारे ऑनर इस्माइल साहब पे ट्रस्ट करके 50% पेमेंट मुकम्मल कर दी डिस्काउंट के मद में, पहली बात तो ये है कि आप कैलकुलेटर उठा के देखें कि कितना डिस्काउंट आपको मिला होगा। यकीनन आपको अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिले थे। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटराइज लेजर भी अपडेट हो चुका है, आप एनी टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे थ्रू जितनी आपने बुकिंग की है, मर्जिंग की है, डिस्काउंट ऑफर अवेल किए हैं, सब आप वेरीफाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि सपोज़ हम कहते हैं कि ओवरसीज सेक्टर में जो बैलेटिंग होने जा रही है वो 5000 प्लॉट्स की होने जा रही है और 50% मुकम्मल है 6000 लोगों का, ऑब्वियसली 5000 लोगों को प्लॉट नंबर अलॉट किए जाएंगे। बकाया जो 1000 लोग हैं, अगर उनको प्लॉट नंबर नहीं मिला, क्या इसमें अफसोस की कोई बात है, क्या इसमें नुकसान की कोई बात है? मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि अगर 5000 प्लॉट को प्लॉट नंबर अलाट किए जाएंगे और अलाटीज जो हकदार हैं वो हैं 6000, तो इसमें सबसे पहले उन लोगों को प्लॉट नंबर दिए जाएंगे जिन लोगों ने पहले 50% मुकम्मल की थी। वो कैसे? जब अनाउंसमेंट हुई थी कि आप 28 फरवरी से पहले पहले अपने 50% मुकम्मल करें, तो सीक्वेंस वाइज जो 5000 लोगों में या 6000 लोगों में जो 5000 जो पहले लोग थे जिनकी 50% मुकम्मल हुई थी, ऑब्वियसली प्लॉट नंबर पहले उनको अलॉट किया जाएगा। अच्छा, जो रह गए, सवाल यही उठ रहा था कि भाई अगर हम रह गए तो क्या होगा नुकसान। देखें, पहली बात तो आप ये सोचें कि आप रह भी गए तो आप सोसाइटी से नहीं रह रहे, आप एक बैलेटिंग से रह रहे हैं। बैलेटिंग, जबकि बैलेटिंग हर 6 महीने बाद, हर 4 महीने बाद होती है, तो ये कोई अफसोस की बात नहीं है। दूसरी बात आप ये सोच रहे हैं कि ऑलरेडी आपको डिस्काउंट तो मिल चुका है, 50% पे आपको तकरीबन 1.5 से 3 लाख तक डिस्काउंट मिला था, ऑलरेडी आप फ़ायदे में हैं। अगर आपको प्लॉट नंबर नहीं भी मिला तब भी आप फ़ायदे में, क्यों? कि आपको डिस्काउंट जो मिल चुका है, नेक्स्ट बैलेटिंग के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल होंगे। अच्छा, नेक्स्ट बैलेटिंग में आप टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, जो लोग इस बैलेटिंग में रह गए नेक्स्ट में वो टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, और ऑफर तो तब ख़त्म हो गई होगी, तब जब लोग पेमेंट जमा कर रहे होंगे तो वो उतनी जमा करेंगे जितनी जमा होगी। अभी आप लोगों ने जो जमा किया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को ऑफर्स मिली है, तो मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि ऑफर्स के दिन कम रह गए, हमारे पास तकरीबन चंद दिन हैं, 6-7 दिन रह गए, तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया, आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। आपने ये नहीं सोचना कि क्या हम अगर प्लॉट नंबर से रह गए तो नुकसान, तो नहीं नहीं नहीं,
नुकसान नहीं है, फ़ायदा फ़ायदा है। क्यों? कि आप जब पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम तक है। आप लोगों ने अपनी तरफ से मुकम्मल 50% मुकम्मल कर दी, अगर आप इस बैलेटिंग से रह गए तो नेक्स्ट बैलेटिंग में आप टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। तो ये चीज़ अफसोस करने की कोई बात नहीं है, ना ही सोचने की कोई बात है। जो हकदार हैं, जिन लोगों की पहले 50% मुकम्मल थी, इंशाल्लाह उनको प्लॉट नंबर मिलेगा। जिन लोगों की अभी हो रही है, और अव्वल तो उम्मीद है कि जिन तमाम लोगों ने 28 फरवरी तक 50% मुकम्मल की है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तमाम को प्लॉट नंबर मिलेंगे, उन तमाम को प्लॉट नंबर अलाट किए जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर क्राइटेरिया 5000 प्लॉट्स का है और हकदार 6000 है, या जिन लोगों ने जमा की 6000 है, ऑब्वियसली 5000 लोगों को प्लॉट नंबर दिए जाएंगे, और वो 5000 वो लोग होंगे जिन लोगों ने पहले पेमेंट की थी। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रब्ता करें, इस ऑफ़र से आप फ़ायदा उठाएं। डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है, 28 फरवरी तक आप लोगों ने 50% मुकम्मल करनी है, और 15 फरवरी तक आखिरी डेट है डिस्काउंट की, इसको आप मिस ना करें। मुकम्मल इसमें आपका फ़ायदा है, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर। मोहम्मद वकास को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।